नमस्ते, मैं हूँ विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, बहुत ही स्पेशल मेहमान इसलिए भी हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराने से पहले कुछ जरूर कहना चाहूंगा। जो दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके चेहरे अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरों पर जो स्माइल आती दिखाई दे रही है वो आपको उस बात से अंदाजा जरूर आप लगा लेंगे कि उनकी आने वाली मतलब जो फिल्म अभी रिलीज हुई है कैश, वो सक्सेस किस तरीके के पायदान पर चढ़ती नजर आ रही है वो आप जरूर देख लेंगे उनकी स्माइल को देखकर। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले अमोल आपका और विशेष जी आपका भी। थैंक यू विकास। सो ये स्माइल जो है वो हम तो दुआ करेंगे कि ये बरकरार रहे आगे और कैश जो है वो लगातार इनफ्लो होते रहे। लेकिन बहुत दिनों बाद मैं कह सकता हूँ कि लोगों को ऐसी फिल्म देखने को मिली है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर नोटबंदी को जो बहुत सीरियस नोट पर देखा जाता था उसको, लेकिन वहां से भी एक कॉमेडी निकल कर आ रही है और लोग उससे बखूबी कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं अमोल सबसे पहले आप इस चीज को? आई थिंक आपने जो बोला वही वो एक्चुअली में एकदम सटीक बात है कि हमारी स्माइल इसलिए है क्योंकि फिल्म हमने कॉमेडी ही बनानी थी और हमारे हिसाब से बहुत फनी थी, पर हमेशा जोक सुनाने से पहले जो डर होता है ना कि लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, किसी को भी होता है, पार्टी में भी आप जोक सुनाते हो तो वो एक आई थिंक एक आप वेट करते हो कि रिएक्शन क्या आएगा। और ये स्माइल हमारी अभी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आई है फिल्म देख के, उन लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, सोशल मीडिया पे लिखा है, जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या कोई रिश्तेदारों के दोस्त हैं वहां से भी आता है ना दूर दूर से कि अरे फलाना वलाना उन्होंने देखा, मौसी का फोन आया था, उन्होंने बताया उनके स्कूल में टीचर ने देखा है, उनको बहुत फनी लगा अमोल को बताना। तो ये इस तरह का जब एक आता है आई थिंक एक यूनिवर्सली पॉजिटिव रिएक्शन तो वो काफी काफी आपको आपके अंदर से खुद ही स्माइल आ जाती है। और मैं ऑल्दो मैंने पहले भी काम किया है जिसकी सराहना हुई है, बट ये मैं कह सकता हूँ आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंटली कि इसका जो रीच है इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप बोलिए या मतलब जितना तरह के लोगों से मुझे रिएक्शन आए। विशेष आमतौर पर हम देखते थे कि आप आपको महारत हासिल है जब भी 70 mm पर आपकी फिल्मों को लोग देखते हैं, भले आपने वो लिखा हो, भले आपने डायरेक्ट किया हो या प्रोड्यूस किया हो, लेकिन उसका जो रिस्पांस आता है जब 70 mm का रिस्पांस आता है वो थोड़ा सा रुक कर आता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि लोग फ्राइडे को अगर देख रहे हैं तो फिर वो मंडे ट्यूसडे तक रिस्पांस आपको मिलना शुरू होता है, लेकिन ओटीटी के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चेंज को आप इंस्टेंट चेंज को कह सकते हैं कि इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड आने लगते हैं। बहुत बड़ा चेंज है और ये आपने एकदम सही बात कही है, एकदम इंस्टेंट। ये मेरे लिए पहली टाइम कुछ ओटीटी या डिजिटल पे डायरेक्ट जो रिलीज है मेरे लाइफ में मैंने पहली टाइम की है और इसका रिस्पांस कुछ अलग ही है कि इतने सारे लोग इतनी जल्दी एक फिल्म को देख सकते हैं और हर कोने में। हमारी जो क्या होता था कि जो 70 mm की जो रिलीज होती है कि अपने इंडिया में हमारे अभी स्क्रीन बढ़ने के जगह बेचारे कम हो रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं है, बहुत दूसरी चीजों की इश्यूज है और कम हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पिक्चर देखना चाहते थे मगर देख नहीं पाते हैं। कितने लोग हमें कहते थे कि हमें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और उधर ही जाके एक सिनेमा मिलता है फिर हमें देखने को मिलेगा, मगर आज आपके मोबाइल फोन पे आ जाती है ये पिक्चर और आप अच्छी क्वालिटी में आप पिक्चर देख सकते हैं। तो बाय द टाइम संडे आया था हम बात कर रहे थे कि अभी पिक्चर रिलीज हुई है, आई एम यूज्ड टू इट कि पिक्चर अभी रिलीज हुई है और हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे या आगे बात बढ़ाएंगे। एंड बाय संडे मैं अमोल के घर पे जा रहा था, हम लोग ऐसे ही मिलने जा रहे थे कि कुछ नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करते हैं कैसे बात आगे बढ़ाए, और बाय संडे इवनिंग तक ही हमें काफी इतने सारे फीडबैक आना शुरू हो गए कि हमने बोला यार हमें वो जो एक वीक खत्म होने के बाद में जो कलेक्शन आते थे और या जो होता था उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी एम्ब्रेस कर लिया है पिक्चर को, वो अभी उनकी ऑलरेडी हो गई है। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊंगा कि या तो जन्नत हो जिसपे मैंने काम किया था या आशिकी 2 हो, वो पिक्चरें भी पहले वीक में क्योंकि वो भी नए लोगों के साथ वो टाइम पे आई थी
तो हमारी जैसे जो इंडस्ट्री चलती है, जो बात करते हैं कि इतने करोड़ की ओपनिंग, ऑडियंस की बात नहीं करते, इतने करोड़ की ओपनिंग की बात करते हैं. द मनी दैट कम्स इन इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड टू कि लोगों को पसंद आई या ना पसंद आई. पर ओटीटी में इज ऑल अबाउट कि हमें पसंद आई. मगर ओटीटी में आई थिंक जो हिट का टैग अमोल बताएंगे हम लोग को, आई वाज शॉक्ड. अमोल तक ये तो ऐसा ही होता है, मतलब अमोल ने बहुत एक्सपीरियंस किया है. इसका एक इंस्टेंट रिएक्शन जो है आजकल जो वायरल बोलते हैं लोग, वो अमेजिंग है. मतलब एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है ऑडियंसेस के साथ, जो आपको इतना जल्दी नहीं मिलता है सिनेमा से. बिल्कुल सही कहा विशेष आपने, और शायद इसीलिए लोग जो है कनेक्ट भी कर रहे हैं, और लगातार आप लोगों को जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो उससे वाकई आप लोगों को अच्छा एक गुड फील कह सकते हैं हो रहा है. अमोल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो दौर चल रहा है अभी पूरी तरीके से, देखिए कह नहीं सकते हैं कि सब कुछ खुल गया है और बिल्कुल आप फ्रीली सब कुछ कर सकते हैं, लोग इस फिल्म से कनेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये फिल्म आपको नरेट की गई होगी और विशेष जब इस फिल्म पर काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक डर, या डर अगर ना भी कहें तो कहीं ना कहीं हिच जो होती है वो जरूर एज एन एक्टर आप में भी आई होगी, विशेष में भी आई होगी. उसको किस तरीके से ओवरकम किया आप लोगों ने, कि ये जाएगी तो कैसे जाएगी, ऑडियंस के सामने पेश की जाएगी फिल्म का? इसकी शुरुआत पैंडेमिक से पहले हो गई थी, तो जब हमने शुरुआत की और इसमें कदम रखा तब किसी को नहीं पता था कि एक दूसरा वायरस आने वाला है जो वायरल हो जाएगा और दुनिया में फैल जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा. तो उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें हुई, क्योंकि चीजें आप शुरू कर दिए थे लेकिन फिर उसमें अटकने आ गई, चीजें बंद होने लगी, शूट कैसे खत्म किया जाए, स्टूडियो एडिटिंग, ये सब बहुत सारा काम तो शूट के पहले और शूट के बाद भी होता है फिल्मों में. तो जब हमने शुरू किया था, जैसा कि आपने कहा, जब हम पहली बार मिले थे और फिल्म डिस्कस की थी या फिल्म सुनी थी, पढ़ी थी, मीटिंग्स की थी, तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है. वो तो अब हुआ और फिर वो मतलब, और उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तो प्रोड्यूसर्स की होती है, क्योंकि उनका पैसा लगा है, उनका टाइम लगा है, और मैं तो शूट करने के बाद, अगर शूट खत्म हो गया तो मेरा काम खत्म, उसके बाद तो आप लोग संभालिए, अब एडिटिंग कीजिए, म्यूजिक कीजिए, गाने बनाइए, प्रमोशन देखिए, रिलीज देखिए, कैसे होगा क्या नहीं होगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ. सो बट समहाउ आई ऑल क्रेडिट टू विशेष एंड द टीम. विशेष, आप कह सकते हैं कि आपने आपदा में अवसर तलाश लिया था, मगर वो प्लानिंग, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग. ये पिक्चर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और दुनिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो गई. तो मेरे को कभी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार ये अजीब सा कोइंसिडेंस है, नोबडी ऑब्वियसली वांटेड दिस, मगर ये लोगों के लाइफ में ये सिमिलर चीज हुई लॉकडाउन के साथ भी, और उसके बाद में भी अभी भी एक डर है. हमारी पिक्चर आ गई है, ओटीटी पे चल रही है, मगर पिछले सिनेमाज में भी आ रही है, मगर सुनने में आ रहा है कि अभी जो इंडिया में हम लोग टचवुड अभी एक बेटर पोजीशन में है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं लोग इस तरीके से भी. अगर आप उसके अंदर से डिमोनेटाइजेशन की बैकग्राउंड भी हटा देंगे तो लोगों को लगता है कि जो जर्नी है जो कैरेक्टर की, वो नेवर गिव अप स्पिरिट है, वो एक होप ला रही है. कॉमेडी तो है मगर जो होप की बात है, आज लोगों को होप और ये स्पिरिट की बहुत जरूरत है. और हमारी पिक्चर में कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल प्लान या जो भी कहिए करके उसने एक वो तरीके का एक होप और मोटिवेशन लोगों के अंदर लाया. बिल्कुल अमोल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विशेष आपसे भी, दोनों आप दोनों से, कि क्योंकि नोटबंदी पर आधारित फिल्म है और लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे, अगर आप दोनों के पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो एक कोई बेस्ट एक्सपीरियंस और एक कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नोटबंदी के दौरान रहा हो? बेस्ट तो पता नहीं, कौन नहीं बता पाएगा कि बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था. वर्स्ट थैंकफुली उतना बुरा नहीं था, क्योंकि कैश उतना नहीं था लाइफ में उस टाइम पे, अभी भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक हमारी जनरेशन में जनरली भी वो कार्ड स्वाइपिंग और ऐप से ही सब हो जाता है. बैंक की ऐप है, कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं,
और फैमिली में भी कुछ कभी वी आर नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और शॉप और एनीथिंग जहाँ पे कैश बहुत ज़्यादा डील होता हो. गवर्नमेंट सर्विस की है दोनों पेरेंट्स ने, सब हिसाब किताब वो अकाउंट में आता है, अकाउंट से खुद ही कट जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता. तो वो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा. ऑफकोर्स थोड़े दिनों तक ज़्यादा कैश खर्च ना करो या सोच समझ के करो, या अगर ज़रूरत है तो कैसे कहाँ से थोड़ा बहुत मम्मी ने रखा हुआ है या वो सब वो यूज़ हो जाएगा, उसमें दिन निकालेंगे. बट हाँ मतलब इतना, बट ये नहीं, ये हमारे फ़ायदा या हमारा प्रिविलेज है कि हम लोग को इतनी तकलीफ नहीं हुई. बहुत सारे लोगों को और बहुत बड़े स्केल पे हुई. कुछ लोग जो डिस्ट्राइड डिजर्व करते थे, जिनके पास था काला धन, और कुछ लोग जो शायद डिजर्व नहीं करते थे बट वो भी वो उसके लपेटे में आ गए क्योंकि उनको सैलरीज कैश में मिलती हैं या वो कैश में डील करते हैं, चाहे वो मेरा स्टाफ हो या कोई भी हमारे लिए भी जो काम करते हैं. बहुत लोगों का सैलरीज कैश में मिलती है. तो मेरे लिए ना बेस्ट था ना वर्स्ट था, वो कहीं ना कहीं हम बस ऐसा सेफली निकल गए उस पीरियड से, बस इतना ही बहुत था. बेस्ट मुझे एक चीज लगी कि मैं पर्सनली, मुझे कैश पसंद नहीं, मतलब कैश को हैंडल करना. कैश में मैं कुछ साल यूएस में भी, मैं फिल्म स्कूल उधर मैंने किया है एनवाईयू में, और उधर गया था, देखा था कि ईज और कन्वीनियंस, आपको कैश लेना नहीं पड़ता अपने साथ. आप कहीं भी जाकर कार्ड यूज कर लो या ऑनलाइन पेमेंट कर लो, और वो रेवोल्यूशन इंडिया में अभी तक आई नहीं थी. और वो जो जैसे ही नोटबंदी हुई, एक तरीके से वो एक न्यू इकोनॉमी की शुरुआत हुई, और हमारे पास एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ गया था कि हर किनारे वाले के स्टोर पे भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो. तो उस वजह से वो कन्वीनियंस आई थी, मगर तभी ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस ये था कि कैश नहीं था, और काफी चीजें लोगों के पास 2000 के नोट आ रहे थे, तो चेंज कौन ब्रेक करेगा. अभी ये चेंज का भी इश्यू है, वो काफी कम हो गया है. और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं एक फिल्म के नजरिए से देखूं, तो उसमें से अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मगर सबका, कि इस फिल्म में भी आप देखते हो कि लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज हुई पर कुछ लोगों को इसका बेनिफिट हुआ. कई लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट हुआ है इसका, मगर उनको बेनिफिट हुआ है. तो अगर ये इसके कैरेक्टर्स भी, अगर स्मृति, कविन, गुलशन जी, ये एक आनंद और दूसरे हैं कि वो पुलिस वाले हैं, एक मनी लॉन्डरर है, ये सब कैरेक्टर्स को मिलके जो ये कहानी हमने कही है, इतने कैरेक्टर्स और इतने अच्छे एक्टर्स को लेके क्यों कही है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था जो सबकी जिंदगी में हुआ. तो हमें ये बताना था कि ये सब कैरेक्टर्स की एक कहानी है, इनका सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकी सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है ये पिक्चर में भी, के लोगों को पिक्चर एक तरीके से पसंद भी आ रही है, क्योंकि उनके अंदर एक, उनके बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स के अंदर एक रिलेटेबिलिटी आ रही है. तो ये एक्चुअली अगर आप मुझे चीज रहे, आज अमोल है, मैं हूँ आपसे बात कर रहे हैं, ऋषभ डायरेक्टर है, राइटर अर्श है, ये जो पिक्चर लोगों को पसंद आई, ये कोई एक जो स्टार्टअप बोलते हैं, जो एक कमिंग टुगेदर जो होता है, ये कि एक पूरी टीम, एक पैकेज लोगों को पसंद आया पूरा, और ये पैकेज एक 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 सबने अपना एक कंट्रीब्यूशन जो लाया है इस फिल्म में, उसके वजह से ये लोगों को, हर ग्रुप को पसंद आ रही है. बिल्कुल, लोगों को हर ग्रुप इसका पसंद आ रहा है. और इतना तो मैं कहूंगा कि चलिए विशेष को कैश पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को कैश बहुत पसंद आ रही है. थैंक यू. तो जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और उम्मीद है जिस तरीके से अभी तक जो लोग फिल्म को देख रहे हैं वो काफी दिल से सराह रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से आपकी सराहना करते रहें. जितना, जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत आप लोगों ने इस काम में लगाई है, वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के दिल से और जुबान से जरूर निकले कि क्या फिल्म बनाई है. बहुत बहुत शुक्रिया.